हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, एसआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं वर्चुअल वर्क में कुछ एग्जांपल भी और उसके थ्योरी भी, उसको आगे एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड क्यों करते हैं? क्योंकि पहले में हमने पढ़ा है कि पूरा फ्रेमवर्क वो सस्पेंडेड था ओनली एक पॉइंट पर, और जो उसमें पैरामीटर यूज कर रहे थे वो एक ही कर रहे थे, या थीटा या अल्फा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में इसमें पैरामीटर क्या होगा कि ये प्रॉब्लम इस तरह की है कि इन्वॉल्विंग टू पैरामीटर्स। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में भी ये काफ़ी आया हुआ है। क्या है? ए फ्रेम फॉर्म्ड ऑफ फोर लाइट रोड्स ईच ऑफ लेंथ ऑफ ए फेयरली जॉइंटेड एट ए बी सी, यानी फोर एंड डी, ये चार पॉइंट्स हैं, वो चारों इन्हीं पॉइंट पे जुड़ी हुई हैं। इज सस्पेंडेड एट ए, और वो पूरा जो फ्रेमवर्क है वो ए से सस्पेंडेड है। ए मास स्मॉल एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम बी एंड डी, एक छोटा मास लिया हुआ है जो बी और डी पॉइंट पर बाय टू स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एल, एक स्ट्रिंग लिया हुआ है, टू स्ट्रिंग लिए हुए हैं जिसमें एक बी पॉइंट पर एक डी पॉइंट पर बंधे हुए हैं, और जहां उनका लास्ट सिरा है यानी एंड सिरा है उसमें दोनों साइड में वहां एम वेट का एक मास बंधा हुआ है जिसकी लेंथ दोनों की एल एल है, और एल की जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन ए अपॉन रूट टू है। द फ्रेम इज कीप्ड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, यानी पूरा जो फ्रेमवर्क है वो एक स्क्वायर की फॉर्म में है बाई ए स्ट्रिंग ए सी, उसमें एक स्ट्रिंग बंधा हुआ है ए उस यानी जो उसके विकर्ण पे डायगनल्स पे। अप्लाई द मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क टू फाइंड द टेंशन इन ए सी, ये तो हमें पता है कि जब स्ट्रिंग होगा टेंशन होगा। सो डेट वेन एल इक्वल टू ए रूट फाइव टी इक्वल टू टू एम जी अपॉन थ्री, यानी हमें उस टेंशन फाइंड आउट करना है कि जब एल की वैल्यूज ये हो तो टी की वैल्यूज ये आएगी। अब क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा किस तरह, देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। एक आपका स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे ए सस्पेंडेड है, ये आपका इस तरह का बन जाएगा, ये ए है, ये डायग्राम इस तरह के चलते हैं थोड़ा। ए से सस्पेंडेड है ये पूरा फ्रेमवर्क, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। इसमें जो ए बी बी सी सी डी डी ए और ये आपकी ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये चारों रोड हैं और लाइट हैं, लाइट रोड्स मिस वेट लेस से जो हम यहाँ लेके चलेंगे। इन सभी के लेंथ ए हैं, ए ए ए ए, पी को डी से मिलाया, ए को सी से मिलाया। अब इसमें कंडीशन दी हुई है कि बी और डी सिरे पर आपके दो स्ट्रिंग इस तरह हैं कि जहां ये दोनों एंड पॉइंट आते हैं यानी इनके लेंथ एल, इसके भी एल लेंथ, इसको मैं ऐसे लेके चलते हैं, और ये मास बंधा हुआ है तो मास का क्या हो जाएगा, वेट बनेगा एम जी, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं विकर्ण उसे ओ पॉइंट लिया, और जहाँ ये कर रहा है इसको हमने पॉइंट कोई दूसरा ले लें पी पॉइंट लिया। पूरा सिस्टम ए से सस्पेंडेड है, ए सी में एक स्ट्रिंग बना हुआ है, स्ट्रिंग के डायरेक्शन हमें पता है, जो टेंशन होता है स्ट्रिंग में टेंशन वो क्या होगा, अंदर की ओर होगा, यानी ओ की तरह, यानी इसी से ओ की तो साइड में और ए से ओ की साइड में, ये टी और टी यहाँ पे ले लेंगे। अब इसी तरह हम इसमें लैंग्वेज लिखेंगे, लैंग्वेज क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पे
देखो ए फ्रेम फॉर्म ऑफ फोर लाइट रोड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ईच ऑफ लेंथ ऑफ ए थ्री जॉइंटेड एट पॉइंट ए बी सी डी इज सस्पेंडेड एट ए। पहले हमने एक ये फ्रेमवर्क बनाया जो ए बी सी डी पॉइंट पर ये दूसरे को क्या कर रहा है यहाँ पे इन पॉइंट्स पर जॉइंटेड हैं और ये पूरा अपना सिस्टम ऐसे सस्पेंडेड है यानी ए पॉइंट से ये पूरा अपना सिस्टम सस्पेंडेड है। नेक्स्ट ए मास स्मॉल एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम बी एंड डी by two strings of length L। ये given है हमें यानी आपका B से कौन कौन से हो जाएगी two strings B P और P D। The frame is kept in form of a square by a string AC। A C पे एक string लिया हुआ है हमने। Let T be the tension on this string and let यहां देखिए बेटा इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें क्या क्या चीज चाहिए प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क के लिए। ये यहां से सस्पेंडेड है वेटलेस है सभी रोड्स तो इसका टोटल जो वेट है वो पता नहीं कहां इसमें वेट नहीं होगा। और जो आपका बी और डी पे एक सिरे पर दो स्ट्रिंग के सिरे पर या दो आपके इस तरह के रोड दी हुई हैं जिनके सिरे पर आपका ये एम वेट बंधा हुआ है उसका जो वेट टोटल हो जाएगा एम जी जो वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। तो क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ पे वेट होता है उसकी परपेंडिकुलर डेप्थ जहाँ से वो अटैचमेंट होता है वो हमें फाइंड आउट करनी है यानी ए से पी तक की डिस्टेंस। दूसरा अब ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक ए से पी तक की डिस्टेंस निकालनी है। अब स्ट्रिंग में टेंशन है ए सी तो हमें ए से सी तक की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यानी इस पॉइंट को यानी ओ से पी तक की डिस्टेंस निकालने के लिए तो हम यहाँ पे एज्यूमिंग करेंगे कि ये जो ए बी ओ है एंगल ये अल्फा है और इसको हम लेके चलें फाई एंगल ओ बी पी इक्वल टू फाई। इसलिए यहाँ पे हम टू पैरामीटर्स को यूज़ करेंगे और जो पैरामीटर हम यहाँ यूज़ करके चलेंगे उनको यहाँ नेगलेक्ट भी करना है। लेट एंगल ए बी ओ इक्वल टू अल्फा एंड एंगल ओ बी पी इक्वल टू फाई। नाउ ये आपका हमने एज्यूमिंग कर लिया टी टेंशन ले लिया इसमें स्ट्रिंग में और ये एल लेंथ की इसमें जो हमने स्ट्रिंग लिए हैं दो और ये पूरा पूरा जो सिस्टम है वो क्या बना रहे हैं एक स्क्वायर के फॉर्म में बना रहा है
ये पूरा पूरा सिस्टम एक विभिन्न पोजिशंस में। अब नेक्स्ट करते हैं इसमें, नाउ गिवन ए स्मॉल सिमेट्रिकल डिस्प्लेसमेंट अबाउट एसी वी गेट थीटा चेंज टू थीटा प्लस डेल थीटा सॉरी थीटन अल्फा अल्फा चेंज टू अल्फा प्लस डेल अल्फा कॉमन फाइव चेंज टू फाइव प्लस डेल फाइव चेंजेस इन लेंथ ऑफ बीडी एंड एसी बीडी एंड एसी डायगोनल्स में चेंज होगा एंड नो चेंज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए एंड एंगल इस एंगल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि तो डेफिनेशन होती है रोम्बस की कि जो डायगोनल्स हैं किसी भी रोम्बस के एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल बी ओ ए 90 डिग्री यहाँ लिख सकते हैं एंड करके एंगल बी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री डेफिनेशन होती है रोम्बस की। ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसी से हमने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डायग्राम बनाए हैं। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि इसी मेथड का हमें यूज करना है और हमें तब टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क के लिए क्या होगा कि इसमें टेंशन टी है तो माइनस टी इंटू डेल। ये पहले लेक्चर पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव क्यों लेते हैं, माइनस टी इंटू डेल ए सी। इस पूरे पूरे डायगोनल्स में ये लगा हुआ है टेंशन प्लस जो वेट है एम जी इंटू डेल ये है आपका ए इस पॉइंट्स पर ए से पी तक और कुछ है नहीं इसमें तो इक्वल टू जीरो। दैट्स क्लियर। अब इसमें निकालने के लिए हमें ए सी की वैल्यूज और ए पी की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी ओ वी गेट इस ए ओ बी में तो हमें क्या चाहिए ए से ओ तक की डिस्टेंस चाहिए। ये अल्फा एंगल बना हुआ है यानी इसका हमें एल्टीट्यूड चाहिए यानी लंब चाहिए। तो फार्मूला होता है साइन अल्फा इक्वल टू ओ ए अपॉन ए बी। तो यहाँ से ओ ए की वैल्यूज आ जाएगी ए बी इंटू साइन अल्फा और ओ ए यहाँ से बन जाएगा ए बी की वैल्यूज ए हैं और इंटू साइन अल्फा। तो एक तो वैल्यू यहाँ से निकल गई। हमें पता है कि जहाँ आपका कोई भी रोम्बस है इंटरसेक्ट करते हैं तो डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे, ये जो फॉर्म भी दे रखी है स्क्वायर है इक्वल साइड्स हैं तो ये भी आपके इक्वल होंगे यानी ओ ए इक्वल टू ओ सी। इसी तरह यहाँ पे निकल जाएगा हेंस ए सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ ए तो टू ए इंटू साइन अल्फा। तो यहाँ से हमारी ए सी की वैल्यू निकल गई। अब हमें चाहिए ए से पी तक के डिस्टेंस
तो ए से पी तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए से ओ तक की डिस्टेंस प्लस ओ से पी तक की। अब इस वाले ट्राइंगल में लेके चलेंगे, इस ट्राइंगल में क्या जाएगा, हमें एंगल पता है, इसका हाइपोटेनस पता है यानी कर्ण पता है, एक एंगल पता है और सामने वाली साइड निकालनी है एंगल के, जो कहलाती है इसकी लंब। लंब निकालना है तो लंब और कर्ण में एक रिलेशन होता है साइन। साइन कौन से ट्राइंगल में, ना इन ट्राइंगल बी ओ पी साइन फाई इक्वल टू ओ पी अपॉन बी पी, यहां से ओ पी की वैल्यूज निकल जाएगी बी पी इंटू साइन फाई। क्या निकल जाएगी यहां से ओ पी की वैल्यूज, बी पी साइन फाई, और बी पी की वैल्यूज हमें गिवन है एल है, तो यहां से ओ पी इक्वल टू एल इंटू साइन फाई। हेंस ए पी इक्वल टू ए ओ प्लस ओ पी, ए ओ मीन्स ए साइन अल्फा और प्लस एल साइन फाई, तो यानी ये ए पी की वैल्यू आ गई, दो पैरामीटर के फॉर्म में आ गई, एक कौन सी ए सी की वैल्यूज और एक ए पी की वैल्यूज, दोनों वैल्यू चाहिए थी हमें। एक पॉइंट और याद रखना है आपको सभी को नोट करके, आप ट्राइंगल बी ए ओ और ट्राइंगल बी पी ओ में बी ओ कॉमन है, दोनों में एक जैसी है, जब दोनों में कॉमन है तो इसका मीन्स क्या होगा, एक दोनों में एक रिलेशंस भी बन जाएगा। इसके लिए क्या होगा आपका, ये बेस हैं और इसके लिए भी ये बेस हैं, तो इस ट्राइंगल में यानी बी ए ओ में कोस अल्फा इक्वल टू ये बन जाएगा ओ बी अपॉन ए बी, तो यहां से ओ बी की जो वैल्यूज हैं वो बन जाएगी ए बी कोस अल्फा इक्वल टू ए बी के वैल्यूज ए हैं तो ए इंटू कोस अल्फा। ऐसी सेकंड वाले ट्राइंगल में ओ बी हमें निकालना है तो ये कोस फाई इक्वल टू हो जाएगा ओ बी अपॉन बी पी, तो दिस इंप्लाइज दैट ओ बी इक्वल टू बी पी कोस फाई, तो यहां से वैल्यू निकल जाएगी बी पी इक्वल टू एल और इंटू कोस फाई। ये भी ओ बी के इक्विवेलेंट है और ये भी ओ बी के इक्विवेलेंट है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा कि ए कोस अल्फा इक्वल टू एल कोस फाई, तो ये एक रिलेशन और बन जाएगा जिसे हम इक्वेशन नंबर टू लेके चलेंगे। आफ्टर दिस पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ ए सी ए पी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट माइनस टी इंटू डेल ए सी हियर, ए सी जो हमारा निकाला था ट्वाइस ऑफ ओ ए था तो टू ए साइन अल्फा प्लस एम जी इंटू डेल ए पी मीन्स यहां पे ए साइन अल्फा प्लस एल साइन फाई इक्वल टू जीरो, और सिमिलरली टोटल डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशंस वी गेट माइनस टी इंटू टू ए इंटू कोस अल्फा इंटू डेल अल्फा प्लस एम जी इंटू ए कोस अल्फा इंटू डेल अल्फा प्लस एल इंटू कोस फाई इंटू यहाँ लिख लो पहले डेल फाई और प्लस एल इंटू कोस फाई इंटू डेल फाई और इक्वल टू जीरो। इसमें अल्फा वाले हम एक साथ रखेंगे और जो फाई वाला है एक साथ रखेंगे, एक साइड में ले जाएं और करके ये माइनस टी इंटू, इसमें डेल अल्फा है इसमें भी डेल अल्फा है, दोनों से ए कॉमन है तो इसमें हम लिख सकते हैं दोनों से ए बाहर निकाल करके माइनस टी इंटू टू या टू ए टू टी इंटू कोस अल्फा और प्लस
यहाँ से ए बाहर निकल गया, एम जी इंटू कोस एल्फा और इंटू डेल एल्फा और प्लस एम जी इंटू एल इंटू कोस फाई इंटू डेल फाई इक्वल टू जीरो। इस पोर्शंस को हम इस तरह लिख सकते हैं और करके कि ए इंटू ब्रैकेट में आप टू टी इंटू कोस अल्फा प्लस एम जी इंटू कोस अल्फा इंटू डेल अल्फा इक्वल टू माइनस एम जी इंटू एल इंटू कोस फाई इंटू डेल फाई। इसे और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस यहाँ से बाहर निकाल दें, माइनस से माइनस कट जाएगा और ए इंटू टू टी कोस अल्फा माइनस एम जी इंटू कोस अल्फा इंटू डेल अल्फा इक्वल टू, या इसमें एक काम करते हैं कोस अल्फा भी बाहर निकाल दें तो टू टी माइनस एम जी इंटू कोस अल्फा इंटू डेल अल्फा और इक्वल टू हो जाएगा एम जी इंटू एल इंटू कोस फाई इंटू डेल फाई। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाएगी, इधर आपका अल्फा वाला है और इधर वाला आपका फाई वाला पैरामीटर्स के फॉर्म में है, यानी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कर लिया है। इसी तरह इक्वेशन नंबर टू दिया हुआ है, यदि टू का हम डायरेटिव करने लगे टोटली दोनों साइड का तो उसमें क्या मिलेगा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू वी गेट माइनस ए इंटू साइन अल्फा इंटू डेल अल्फा इक्वल टू माइनस एल इंटू साइन फाई इंटू डेल फाई। ये इक्वेशन नंबर फोर्थ हो जाएगी। अब यहां से इसको हटा दें। अब इक्वेशन नंबर थर्ड को इक्वेशन नंबर फोर्थ से, क्योंकि नेगेटिव एंड नेगेटिव ए भी साइन आपका पॉजिटिव बन जाएगा, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर दें। जब थर्ड को फोर्थ से डिवाइड किया जाएगा तो ये रह जाएगा आपका ए टू टी माइनस एम जी इंटू कोस अल्फा इंटू डेल अल्फा अपॉन ए इंटू साइन अल्फा इंटू डेल अल्फा इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा एम जी एल इंटू कोस फाई इंटू डेल फाई अपॉन एल इंटू साइन फाई इंटू डेल फाई। डेल फाई कैंसिल, यहाँ भी डेल अल्फा से डेल अल्फा कैंसिल और ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा आगे और करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टू टी माइनस एम जी इंटू कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू एम जी इंटू एल कोस फाई अपॉन एल इंटू साइन फाई। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा टू टी माइनस एम जी इंटू कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कोट अल्फा, कोट अल्फा को हम वन अपॉन करेंगे और टेन अल्फा हो जाएगा। इसको इस साइड में ले आए तो ये बन जाएगा एम जी, एल से एल कट जाएगा तो यहाँ केवल क्या रहेगा एम जी, और ये आपका नीचे से ऊपर पहुँचा तो टेन अल्फा और ये इंटू टेन फाई या कोट फाई इंटू टेन अल्फा। तो यानी यहाँ से जो वैल्यूज निकल गई हैं हमारी टू टी की वो बन जाएगी एम जी प्लस एम जी इंटू टेन अल्फा अपॉन टेन फाई, या एम जी दोनों से बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा वन प्लस टेन अल्फा अपॉन टेन फाई, यानी ये आपकी टू टी की वैल्यू आ जाएगी। इस टू टी से हम हमें जो निकालना है वो टी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से जो टी की वैल्यूज आएगी वो हो जाएगी एम जी बाई टू, क्योंकि टू इसके नीचे पहुँच जाएगा और इंटू में वन प्लस टेन अल्फा अपॉन टेन फाई। ये इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गए तो ये फिफ्थ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कि जो हमने पैरामीटर लिया था कौन कौन सा, टेन अल्फा लिया था और सॉरी अल्फा लिया था और फाई लिया था, इसको अब यहाँ से एलिमिनेट भी करना है। और एलिमिनेट कैसे किया जाएगा, अब यहाँ पे आ जाइए,
ये ट्राइंगल आपका किस तरह का है इक्विलिब्रियम पोजिशंस में, इन इक्विलिब्रियम पोजिशन। ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, केप्ट इन द फॉर्म ए स्क्वायर। जब ये स्क्वायर बनता है तो ये आपका एंगल कितना हो जाएगा 45, तो ये अल्फा भी 45 ही रहेगा। जब अल्फा 45 है तो इसका अर्थ क्या हुआ भैया, प्रत्येक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, और जो ये हाफ हम लेके चलेंगे रोम्बस में तो ये हाफ यानी आपका 90 का हाफ हो जाएगा यानी 45, तो ये भी 45 और ये भी आपका 45। तो इसका मीन्स है कि बी से ओ तक की डिस्टेंस और ओ से ए तक की डिस्टेंस दोनों इक्विवेलेंट होंगी, यानी आइसो स्केल ट्राइंगल बनेगा। तो उस कंडीशंस में क्या आएगा आपका, ये ट्राइंगल कौन सा हो गया ए बी ओ, इसमें हम कोस अल्फा के जो वैल्यूज निकाले थे वो थी कोस अल्फा इक्वल टू ओ बी अपॉन ए बी। तो यहाँ से ओ बी की जो वैल्यूज हैं वो निकल गई थी हमारी ए बी इंटू कोस अल्फा, और अल्फा की जो वैल्यूज है वो 45 है, अल्फा इक्वल टू क्या है 45 डिग्री इक्विलिब्रियम पोजिशंस में। तो यहाँ से आपका ओ बी की वैल्यू निकल जाएगी, ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी की जो वैल्यूज हमारी है ए है इंटू कोस 45 डिग्री, और कोस 45 की डिग्री की वैल्यूज होती है 1/√2। तो यहाँ से आ जाएगा ए इंटू 1/√2 बिकॉज कोस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। ये मैथमेटिक्स जितने स्टूडेंट्स हैं सब जानते हैं कि कोस 45 की वैल्यू क्या होती है। अब ओ बी की वैल्यू निकल गई यहाँ से ओ से बी तक की, और B से P तक की वैल्यूज कितनी है L है, ये पहले दे दिया था यहाँ पे कि जो ये लेंथ L है वो क्या है यहाँ पे L की वैल्यूज वो ग्रेटर देन A अपॉन रूट टू है, यानी इससे बड़ी है। यदि ये इससे छोटी होती है तो त्रिभुज नहीं बनता, इसलिए बड़ी करने होने के लिए ये त्रिभुज बनेगा तब ये एप्लीकेबल होगा। अब इसमें क्या जाएगा कौन से ट्राइंगल में, नवीन ट्राइंगल बी ओ पी, वी गेट ओ बी की जो वैल्यूज हैं वो है ए अपॉन रूट टू, और बी पी की जो वैल्यूज है वो एल है। तो इसकी हेल्प से ओ से पी तक की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, या जब हमारी तीनों साइड पता चल जाएगी तो यहाँ पे कोस फाई की वैल्यूज और साइन फाई की वैल्यूज दोनों ए और एल की फॉर्म में मिल जाएगी, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें ना तो अल्फा है और ना ही फाई है, केवल एम जी और एल की वैल्यूज जो दी हुई है ए रूट फाइव, ये हमें पुट करनी है लास्ट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी ट्राइंगल में लेके चलेंगे, इस ट्राइंगल में ओ पी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से अब एक पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि कर्ण का वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, दैट इज हमें निकालना है OP। तो यहाँ पे OP स्क्वायर हो जाएगा OP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर, यानी इसमें लंब का वर्ग इक्वल टू होगा कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देते हैं। इन दोनों की वैल्यूज हमें पता है, दोनों की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे। BP हमारा L है तो ये L स्क्वायर हो गया, माइनस बी हमारा ए अपॉन रूट टू है तो ए स्क्वायर अपॉन में टू हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं टू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में टू। किसकी वैल्यू आ गई है, ओ पी स्क्वायर की आ गई। तो यहाँ से ओ पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ पी इक्वल टू ये स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा टू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, यानी ये ओ पी की वैल्यूज मिल जाएगी स्क्वायर रूट की फॉर्म में। अब हमें ओ पी मिल गया, बी पी हो गया और ये वैल्यू हो गई है, तो इसकी हेल्प से हम टेन फाइव की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से टेन फाइव इक्वल क्या हो जाएगा, इसे ही छोड़ देंगे टी, ये पोर्शन क्वेश्चन नंबर फाइव एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ से हमें चाहिए टेन फाइव, क्योंकि आपका जो अल्फा है वो 45 है, 45 यहाँ रिप्लेस कर लेंगे लेकिन टेन फाइव की वैल्यू हमें निकालनी है। तो टेन फाइव इक्वल क्या हो जाएगा, टेन वाला फार्मूला क्या होता है, इसी ट्रायंगल में लेके चलेंगे हम, वो होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा है
ओपी और बेस है हमारा ओबी। तो ओपी की वैल्यू हमने ये निकाल ली है, स्क्वायर रूट ऑफ टू पी स्क्वायर, सॉरी टू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, और ओबी की जो वैल्यूज हैं वो है ए अपॉन में रूट टू। कितनी है? ए अपॉन में रूट टू। इसे रूट टू बाहर निकालेंगे, ये रूट टू बाहर है ही, दोनों कट करके ये वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ टू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, यानी जो ये आपकी टेन फाइव की वैल्यू आई ये बन जाएगी। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैंस टी इक्वल टू, यानी पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ इन इक्वेशंस नंबर फिफ्थ वी गेट टी इक्वल टू एम जी अपॉन टू इन टू वन प्लस टेन 45 डिग्री अल्फा है, और टेन फाइव की वैल्यूज आप यहां से निकालेंगे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ टू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए। सोल्व करें इसको, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है तो ए ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एम जी अपॉन टू इन टू वन प्लस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिकॉज टेन 45 इक्वल टू 1 ये हमने यूज़ किया है यहाँ पे। अब क्वेश्चंस में एक कंडीशंस और दी हुई है, क्या कि यदि L की जो वैल्यूज हैं वो ए रूट फाइव हैं तब T की वैल्यूज ये होगी, ये हमें प्रूफ करना है। पुटिंग L इक्वल टू ए रूट फाइव ये हमें गिवन है, देन T इक्वल टू एम जी अपॉन टू इन टू वन प्लस ए अपॉन, यहाँ पे बेटा मिलेगा टू इन टू एल स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट के अंदर है, L की जो वैल्यूज है यहाँ पे रिप्लेस करेंगे ए रूट फाइव होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज्ड, एम जी बाई टू इन टू, इसमें हम सोल्व करें तो ये आपका फाइव हो जाएगा, तो फाइव टू जा टेन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, और यहाँ वन प्लस और ए ऊपर आ जाएगा, टेन ए स्क्वायर में से स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, नाइन ए स्क्वायर हाफ एम जी इंटू वन प्लस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ नाइन ए स्क्वायर, इसको हम बाहर निकालेंगे तो वन अपॉन टू एम जी, और यहाँ रह जाएगा आपका वन प्लस ए अपॉन, यहाँ कितना बचेगा आपका, नाइन है तो ये थ्री ए आ जाएगा, ए से ए कट जाएगा तो वन अपॉन थ्री आएगा, तो हाफ एम जी इंटू वन प्लस वन अपॉन थ्री, एल से लेके चलो हाफ एम जी, ये आपका एलसीएम आ गया थ्री, तो थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, तो यानी फोर अपॉन में थ्री इंटू टू एम जी, तो वैल्यू आएगी टू अपॉन में थ्री इंटू एम जी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टी इक्वल टू टू एम जी अपॉन में थ्री। हेंस प्रूफ, यानी क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, लेकिन इसमें बस थोड़ा ये देखना है कि जो ये आपकी टू स्ट्रिंग दी हुई थी, जो लेंथ एल है वो ग्रेटर देन ए बाई टू, ए अपॉन रूट टू ये गिवन है, ये आपका क्यों था, क्योंकि हमने जो यहाँ पे वैल्यू निकाली थी इसकी पीछे निकाल चुके हैं कि कोस 45 की वैल्यू वन अपॉन रूट रख टू रूट रखी थी, तो उसमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए ए से ओ तक, सॉरी बी से ओ तक की डिस्टेंस निकालने के लिए वो आई थी ए अपॉन में रूट टू, तो इसलिए एल ये बड़ा है। बेटा इसी तरह यदि इसी क्वेश्चन में जैसे हमने ये सोल्व करते जा रहे हैं, जो फ्रेमवर्क हैं ये लाइट रोड्स हैं, लाइट रोड के स्थान पे आपका हैवी रोड्स भी दे सकता है, यदि हैवी रोड्स हैं तो उसमें उनका वेट भी होगा, और जो टोटल वेट हैं वो लाइज करेगा इनके सेंटर पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी एक क्वेश्चन इसी से और बन सकता है, यानी आपको यहाँ पे यदि वेट प्रत्येक का स्मॉल डब्ल्यू है तो ये आपका फोर डब्ल्यू ओ पॉइंट पर आ जाएगा, ऐसी आपका नेक्स्ट वही बाकी जो प्रोसेस है वो एक जैसा ही है। ये आपका वर्चुअल वर्क में दो टाइप था, जब आपका कोई बॉडी हैंग्ड है किसी एक पॉइंट पर,
हैंगड है एक पॉइंट पर, तो उसमें एक पैरामीटर कैसे यूज़ होता है और दो पैरामीटर कैसे यूज़ होते हैं, तो इन बेस पे पूरी एक्सरसाइज ये कंप्लीट है। इसी में एक पार्ट और रह जाता है आपका कि जब इसमें एक पॉइंट से है सपोर्टेड ना हो करके वो आपका किसी दो पॉइंट पे सपोर्टेड हो, यानी पूरा जो पैग है, यानी बोल सकते हो उसको पैग्स बोलते हैं कि कोई बॉडी आपके पैग्स पे सपोर्टेड हैं, उस कंडीशंस में क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करेंगे। वर्किंग रूल यही है सेम, बस उसमें क्या होता है कि जहां वेट अटैचमेंट होता है उसकी परपेंडिकुलर डेप्थ, जहां से वो पैक्ड होगा, जहां से वो बंधा होगा या सस्पेंडेड होगा, वहां से परपेंडिकुलर डेप्थ लेनी है और कुछ नहीं। इसका जो यानी उस टाइप के जो क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, बाकी आप इस क्वेश्चंस की हेल्प से आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप यूनिवर्सिटी में भी आते हैं। थैंक यू।